हेलो एवरीवन, हम स्टार टेक्नोलॉजीज न्यू दिल्ली से हैं और हमारे बहुत सारे कस्टमर्स की क्वेरीज आई हैं कि जो हमारा ये फाइबर शॉर्ट माइक्रो रेडियस सेकेंड है, इसे यूज़ कैसे करते हैं और कैसे किन कस्टमर्स के लिए ये बेस्ट होगा। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। सबसे पहले तो अनबॉक्स करेंगे, देखेंगे इसके साथ क्या क्या आता है, एक्सेसरीज क्या क्या होती है, उसके बाद हम इसे यूज़ करना दिखाएंगे, कैसे यूज़ करते हैं और किन के लिए बेस्ट है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 22 dB का OTDR है जिसकी रेंज किलोमीटर में अगर देखी जाए तो 50 किलोमीटर है। सो सबसे पहले हम इसे अनबॉक्स करते हैं। आप देख सकते हैं इसके साथ USB केबल होगा, एडाप्टर होगा चार्ज करने के लिए, क्लीनिंग ड्रॉयर्स होंगे जिसके नॉब्स को कनेक्टर्स को क्लीन करने के लिए होते हैं, ये बेल्ट देते हैं जो कवर होता है इसमें ला के यूज करने के लिए, मैनुअल CD होती है और इसके साथ भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट और वारंटी सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं। तो सबसे पहले हम उठा लेंगे, आप देख सकते हैं स्मॉल हैंडी पॉकेट साइज OTDR है, बहुत ही इजी टू यूज है और इजी टू कैरी है। सो इसमें देखिए, सबसे पहले मेन मेन्यू पे तीन ऑप्शंस आते हैं, मेन्यू OTDR, OPM VFL, पावर मीटर VFL का और सिस्टम का। तो सबसे पहले हम OTDR सेक्शन में जाते हैं, ये कवर दिया हुआ है सेफ्टी पर्पस के लिए। इसमें ऑप्शन पहला कनेक्टर है ये OTDR के लिए है, दूसरा ये VFL के लिए है और थर्ड वन जो है ये पावर मीटर के लिए है। यहाँ पे USB ये माइक्रो SD कार्ड लगाने के लिए भी इसमें ऑप्शन दे रखा है। तो सबसे पहले हम OTDR पे क्लिक करेंगे। OTDR पे गए, ये सेटिंग वाला जो बटन है इससे हम इसके ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं पहला ऑप्शन जो है वेवलेंथ का है, यहाँ पे हम वेवलेंथ सेलेक्ट कर सकते हैं 1550 1310, इसमें दो वेवलेंथ हैं। तो सबसे पहले हम 1310 पे ट्रेस करके चेक करेंगे, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है स्कैन मोड मैनुअल या ऑटो। तो अभी हम मैनुअल पे चेक करते हैं, ऑटो पे भी आप चेक कर सकते हैं इजीली। स्कैन टाइप एवरेज रियल टाइम और एवरेज दोनों का ऑप्शन दिया हुआ है, तो अभी हमें एवरेज पे करना है। रेंज जैसे कि हम जिस स्पूल पे ट्रेस मारने वाले हैं 10 किलोमीटर का स्पूल है, तो इसलिए हमने जो रेंज है वो 20 किलोमीटर सेट कर रखा है, आप देख सकते हैं। तो हम अभी 20 किलोमीटर सेट करेंगे। ये PC होता है, ये SC PC कनेक्टर है, तो हमने पैच कॉर्ड इंसर्ट किया, 20 किलोमीटर सेलेक्ट किया। अकॉर्डिंग टू रेंज OTDR ऑटोमेटिक अपने पल्स विड्थ को सेलेक्ट कर लेता है, 15 सेकंड जो कि एवरेज टाइम हमने ले लिया। बाकी के सेटिंग्स जैसा कि होता है सब में वो है, इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक होता है ये। इतना सेटिंग करने के बाद यहाँ पे स्कैन बटन दिया हुआ है, इस बटन को हम प्रेस करते हैं और आप देख सकते हैं ग्राफ आ गया बन के। विद इन 15 सेकेंड्स रिजल्ट सामने होगा OTDR पे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले तो ग्राफ देखिए आप, क्लियर ग्राफ है। उसके बाद यहाँ पे रिपोर्ट आया है नीचे, तो फर्स्ट जैसा कि 0-0 जो कि कनेक्टर का बताता है जीरो डिस्टेंस पे, एंड एंड पॉइंट जो है 10.139 10 किलोमीटर 139 मीटर का डिस्टेंस है। और चूँकि कोई इवेंट नहीं है इसलिए लॉस के नीचे कोई इवेंट का वो नहीं है। फिर ये 0.32 जो कि अटेन्यूएशन लॉस होता है, फाइबर का पर किलोमीटर का खुद का लॉस जो होता है वो है। और फिर ये लास्ट में टोटल लॉस है 3.29 dB आफ्टर 10 किलोमीटर्स, जो पूरा लॉस है 3.29 dB का है। तो ये 1310 का रिजल्ट है फ्रेंड्स। अब हम 1550 पे भी एक बार ट्रेस मारते हैं। हमने सिर्फ 1550 किया, बाकी की सेटिंग्स एज इट इज रहेगी। फिर से हम स्कैन पे जाते हैं, इसमें भी देखिए ग्राफ ऊपर नीचे रिजल्ट 10.135 एंड 1550 पे जो
लॉस होता है, अटेन्यूएशन लॉस होता है फाइबर का, वो कम होता है 0.18 एंड आफ्टर 10 किलोमीटर लॉस इज 1.87 डीबी। सो देख सकते हैं आप कि बहुत ही इजी है यूज करना, यूजर फ्रेंडली है, कोई इशू नहीं है। सिर्फ हमें सेटिंग की दबाना है, यहाँ से हमें सेटिंग को सिलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। अगर हमें ऑटो पे भी करना है तो हम एक बार ऑटो पे भी करके देख लेते हैं। ऑटो पे भी देख लीजिए आप, ग्राफ एकदम ओके है। और आप देखिए एक्यूरेसी बहुत ही परफेक्ट है ओटीडीआर की, 10.137 किलोमीटर, टोटल लॉस 1.88 डीबी। तो ये हो गया ओटीडीआर का। हमने 1310, 1550 पे दोनों पे ट्रेस कर लिया, मैनुअल में भी और ऑटो में भी कर लिया। अब हम आते हैं इसके दूसरा जो ऑप्शन है ओपीएम एंड वीएफएल का, तो इस पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए ये पावर मीटर का बन के आया हुआ सेक्शन, तो हम सबसे पहले पावर मीटर चेक करेंगे। मैं यहाँ पे एक लेजर सोर्स कनेक्ट करता हूँ, -5 dB हमें ट्रांस करता है लेजर सोर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं -5.5 dB हमें रिसीव हो रहा है पावर मीटर पे। और VFL के लिए आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ है, जो नीचे ये बना हुआ है उस पर दिया हुआ है VFL ऑन और ऑफ, मीन्स नेविगेशन की का राइट की आपको प्रेस करना है और VFL ऑन हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं VFL ऑन है, ठीक। सो फिर से हम यही बटन प्रेस करेंगे तो ये ब्लिंक ऑप्शन आएगा। अभी देखिए VFL ब्लिंक हो रहा है, अगेन हम प्रेस करेंगे तो VFL ऑफ हो जाएगा। तो आपने देख लिया इसमें जो ऑप्शंस हैं और ये सिस्टम है, मतलब इसका टाइमिंग वगैरह जो भी सेट करना होगा आपको, टाइम, डेट, ब्राइटनेस वगैरह जो भी होगा आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन ऑटो पावर ऑफ का दिया हुआ है, तो ये सिस्टम के लिए। तो हमने OTTR भी देख लिया, OTTR कैसे ट्रेस किया जाता है दोनों वेवलेंथ पे, और फिर पावर मीटर और VFL भी चेक कर लिया। सो ये तो है इसकी पूरी पूरा यूज़र गाइड था, कैसे आप यूज़ कर सकते हैं फील्ड में या कहीं पे भी आप। और इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो हमारे वेरियस ऑप्शंस हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे टोल फ्री नंबर हो, मेल आईडी हो, वेबसाइट, कहीं से भी आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर उस क्वेरी को सॉल्व करेंगे। सो थैंक्स a lot for watching this video.